मेन दो मुद्दे हैं कि हमारा कमीशन पिछले 7 साल से डीलर कमीशन बढ़ाया नहीं गया है। दूसरा मुद्दा यह है कि भाई चुनावी वादे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये आरपीडीए राजस्थान के आह्वान के ऊपर हम ब्यावर आरपीडीए ब्यावर ने आज यहाँ मीटिंग रखी और उसमें उसका निर्णय ये हुआ कि हमारे मेन दो मुद्दे हैं कि हमारा कमीशन पिछले 7 साल से डीलर कमीशन बढ़ाया नहीं गया है। दूसरा मुद्दा यह है कि भाई चुनावी वादे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि वैट कम कर देंगे, परंतु आने के अभी 90 दिन बाद भी हमारे वैट कम नहीं हुआ। पड़ोसी राज्यों से डीजल और पेट्रोल में 8 से 10 रुपए का फर्क होने के कारण से 250 पेट्रोल पंप के करीबन बंद हो चुके हैं और अब बाकी बंद होने के कगार पे हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर आरपीडीए ने कई बार मीटिंग के लिए समय मांगा, परंतु पूर्ण रूप से उनका आश्वासन नहीं मिल पाया। आश्वासन ही मिला, बाकी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो हमने 10 तारीख को हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। इसी बारे में मीटिंग फाइनल होकर आज ब्यावर आरपीडीए ने ये मीटिंग संपन्न कराई है। हम अब और अब इसके बाद 11 तारीख को हम आदरणीय जिला देश महोदय को इस बारे में ज्ञापन भी देने के लिए सामूहिक रूप से आरपीडीए ब्यावर के सभी डीलर जाएंगे। नाम आपका? रमेश चंद शर्मा, रमेश एग्रो सर्विस सेंटर ब्यावर।